हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या खास है आइए दिखाता हूँ। देखिए ये एक्सेल पर यहाँ पर आपको नेम और डेट दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं ये जो नेम और डेट है ये दोनों लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एक नाम और एक डेट मैंने लिख रखा है। समस्या ये है कि हमें नेम के साथ डेट को लेके आना है, तो जनरली हम करते क्या है यहाँ पर कॉनकैट या कॉनकैटिनेट इस तरह का कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं और पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, देन कॉमा देते हैं, देन डेट को सेलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट को क्लोज और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे नेम तो आ गया लेकिन डेट का फॉर्मेट बदल गया, देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे ये सही होगा, इसके लिए आपको पहले तो F2 कर लीजिए और यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है वो उसको समझिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट का एक फॉर्मूला लगाइएगा TEXT, ये टेक्स्ट हो गया। और टेक्स्ट का फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको, ये टेक्स्ट आपने लगा दिया है और इसके बाद इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए क्या करना है, कैसे मैंने किया, ये जो है यहाँ पर सबसे पहले तो आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ये टेक्स्ट का फॉर्मूला आ गया और अब आप इस डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट का जो भी सेलेक्टर से वो आ गया ना, कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर डबल डॉट कॉमा में लिखिएगा DD, ठीक है, DD लिख दिया, डैश दीजिए, MM लिख दिया, फिर डैश दीजिए, फिर Y, अब एक ही बार डैश दीजिएगा, दो बार नहीं, Y, तो चार बार Y कर दिया, बंद किया ब्रैकेट को और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर आपका दोनों ही एक साथ कंबाइन होकर आ जाएगा और फिर डेट भी नजर आएगी और दोनों चीजें नजर आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।